दोस्तों अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफ़ी अच्छे टिफ्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी टिफ्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड डॉट एन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेस बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तिहत्तर तक लाइक किया है तो दोस्तों आप

काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन है ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बोर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मेडिकल ब्रोकर है अस्पताल कर्मचारी और एक सर्जन का अपहरण कर लिया जाता है जिसका पता चेन्नई के एक डॉक्टर डॉक्टर मारन से लगाया जा जाता है जो सिर्फ पाँच रुपए में सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डीसीपी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सौंपा गया है मारन बताते हैं कि ये चारों पैसे के लालच और उचित स्थातीय देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शक्ल और वेटरी नाम का जादूगर है वेट्री एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य ब्रश डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख डेनियल राज ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन ने उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटरी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वो मारन का कंपाउंडर और वेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी भ्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी डिविल नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा तो अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठारह अक्टूबर दो हज़ार सत्रह में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफ़ी अच्छे मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी टिफ्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड डॉट इन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेस बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तिहत्तर तक लाइक किया है तो दोस्तों आप

काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन है ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बोर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मेडिकल ब्रोकर है अस्पताल कर्मचारी और एक सर्जन का अपहरण कर लिया जाता है जिसका पता चेन्नई के एक डॉक्टर डॉक्टर मारन से लगाया जा है जो सिर्फ पांच रुपए में सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डीसीपी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सोपा गया है। मारन बताते हैं कि पैसे के लालच और उचित स्थापित देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शक्ल और वेटरी नाम का जादूगर है वेटरी एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य ब्रश डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख डेनियल अरोकियाराजी ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन ने उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वो मारन का कंपाउंडर और वेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी ब्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी डिविल नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफ़ी अच्छे मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड डॉट इन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेस बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तेहत्तर तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विजय समांता रुत्र प्रभु नित्या मेनन काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा का पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन है ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी टेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बोर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मेडिकल ब्रोकर है अस्पताल कर्मचारी और एक सर्जन का अपहरण कर लिया जाता है जिसका पता चेन्नई के एक डॉक्टर डॉक्टर मारन से लगाया जा है जो सिर्फ पांच रुपए में सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डीसीपी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सौंपा गया है मारन बताते हैं कि यह चारों पैसे के लालच और उचित स्थापित देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शक्ल और वेटरी नाम का जादूगर है वेटरी एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य ब्रश डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख डेनियल अरोकियाराजी ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन ने उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटरी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वो मारन का कंपाउंडर और वेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी भ्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी डिविल नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफ़ी अच्छे मूवी है। आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड डॉट एंड टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेस बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तिहत्तर तक लाइक किया है तो दोस्तों आप

काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन है ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बोर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मेडिकल ब्रोकर है अस्पताल कर्मचारी और एक सर्जन का अपहरण कर लिया जाता है जिसका पता चेन्नई के एक डॉक्टर डॉक्टर मारन से लगाया जा जाता है जो सिर्फ पांच रुपए में सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डीसीपी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सौंपा गया है मारन बताते हैं कि यह चारों पैसे के लालच और उचित स्थापित देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शकल और वेटरी नाम का जादूगर है वेटरी एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख अरोकियाराजी ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन ने उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वो मारन का कंपाउंडर और वेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी भ्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी डिविल नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफ़ी अच्छे टिफ्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी टिफ्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड डॉट एंड टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेस बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तिहत्तर तक लाइक किया है तो दोस्तों आप

काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्त इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन है ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने

सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डीसीपी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सौंपा गया है मारन बताते हैं कि यह चारों पैसे के लालच और उचित स्थापित देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शक्ल और वेटरी नाम का जादूगर है वेटरी एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन ने जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य ब्रश डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख डेनियल अरोकियाराजी ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन ने उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटरी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वादीवू मारन का कंपाउंडर और वेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी भ्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा तो अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफ़ी अच्छे टिफ्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी टिफ्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड डॉट एंड टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेस बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तिहत्तर तक लाइक किया है तो दोस्तों आप

काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन है ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बोर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मेडिकल ब्रोकर है अस्पताल कर्मचारी और एक सर्जन का अपहरण कर लिया जाता है जिसका पता चेन्नई के एक डॉक्टर डॉक्टर मारन से लगाया जाता है जो सिर्फ पांच रुपए में सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डीसीपी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सौंपा गया है मारन बताते हैं कि ये चारों पैसे के लालच और उचित स्थापित देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए ज़िम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शकल और वेट्री नाम का जादूगर है वेटरी एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य भ्रष्ट डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख डेनियल राज ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन ने उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वो मारन का कंपाउंडर और वेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी भ्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी डिविल नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा तो अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफ़ी अच्छे मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी टिफ्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड डॉट इन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेस बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तिहत्तर तक लाइक किया है तो दोस्तों आप

काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन है ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बोर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मेडिकल ब्रोकर है अस्पताल कर्मचारी और एक सर्जन का अपहरण कर लिया जाता है जिसका पता चेन्नई के एक डॉक्टर डॉक्टर मारन से लगाया जाता है जो सिर्फ पांच रुपए में सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सौंपा गया है मारन बताते हैं कि ये चारों पैसे के लालच और उचित स्थापित देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शकल और वेट्री नाम का जादूगर है वेट्री एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन ने जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य भ्रष्ट डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख डेनियल अरोकियाराजी ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वादी वो मारन का कंपाउंडर और बेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी ब्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी डिविल नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफ़ी अच्छे मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड डॉट ऑटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेस बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तेहत्तर तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विजय समांता रुत्र प्रभु नित्या मेनन काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन है ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी टेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बोर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मेडिकल ब्रोकर है अस्पताल कर्मचारी और एक सर्जन का अपहरण कर लिया जाता है जिसका पता चेन्नई की एक डॉक्टर डॉक्टर मारन से लगाया जा जाता है जो सिर्फ पांच रुपए में सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डीसीपी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सौंपा गया है मारन बताते हैं कि यह चारों पैसे के लालच और उचित स्थापित देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शक्ल और वेटरी नाम का जादूगर है वेटरी एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य ब्रश डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख डेनियल अरोकियाराजी ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वादी वो मारन का कंपाउंडर और बेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी ब्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी डिविल नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफ़ी अच्छे मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड डॉट एंड टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेस बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तिहत्तर तक लाइक किया है तो दोस्तों आप

काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन है ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बोर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मेडिकल ब्रोकर है अस्पताल कर्मचारी और एक सर्जन का अपहरण कर लिया जाता है जिसका पता चेन्नई की एक डॉक्टर डॉक्टर मारन से लगाया जाता है जो सिर्फ पांच रुपए में सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सौंपा गया है मारन बताते हैं कि ये चारों पैसे के लालच और उचित स्थापित देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए ज़िम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शक्ल और वेट्री नाम का जादूगर है वेट्री एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य भ्रष्ट डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख डेनियल राज ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन ने उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वो मारन का कंपाउंडर और वेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी भ्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी डिविल नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफ़ी अच्छे टिफ्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी टिफ्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड डॉट एंड टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेस बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तिहत्तर तक लाइक किया है तो दोस्तों आप

काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन है ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बोर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मेडिकल ब्रोकर है अस्पताल कर्मचारी और एक सर्जन का अपहरण कर लिया जाता है जिसका पता चेन्नई के एक डॉक्टर डॉक्टर मारन से लगाया जाता है जो सिर्फ पांच रुपए में सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सौंपा गया है मारन बताते हैं कि ये चारों पैसे के लालच और उचित स्थापित देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए ज़िम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शक्ल और वेट्री नाम का जादूगर है वेट्री एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन ने जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य भ्रष्ट डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख डेनियल अरोकियाराजी ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन ने उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटरी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वादीवू मारन का कंपाउंडर और वेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी भ्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा तो अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफ़ी अच्छे टिफ्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी टिफ्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड डॉट एंड टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तिहत्तर तक लाइक किया है तो दोस्तों आप

काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन है ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बोर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मेडिकल ब्रोकर है अस्पताल कर्मचारी और एक सर्जन का अपहरण कर लिया जाता है जिसका पता चेन्नई की एक डॉक्टर डॉक्टर मारन से लगाया जाता है जो सिर्फ पांच रुपए में सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डीसीपी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सौंपा गया है मारन बताते हैं कि ये चारों पैसे के लालच और उचित स्थापित देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए ज़िम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शकल और वेट्री नाम का जादूगर है वेटरी एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य भ्रष्ट डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख डेनियल अरोकिया राज ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन ने उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वीवू मारन का कंपाउंडर और वेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी भ्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा तो अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफ़ी अच्छे मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी टिफ्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड ऑटेन टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेस बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तिहत्तर तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विजय समांता रुत्र प्रभु नित्या मेनन काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इन्जॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बोर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मेडिकल ब्रोकर है अस्पताल कर्मचारी और एक सर्जन का अपहरण कर लिया जाता है जिसका पता चेन्नई की एक डॉक्टर डॉक्टर मारन से लगाया जाता है जो सिर्फ पांच रुपए में सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डीसीपी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सौंपा गया है मारन बताते हैं कि ये चारों पैसे के लालच और उचित स्थापित देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शकल और वेट्री नाम का जादूगर है वेट्री एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन ने जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य भ्रष्ट डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख डेनियल अरोकियाराजी ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वादी वो मारन का कंपाउंडर और वेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी ब्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी डिविल नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफ़ी अच्छे मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड डॉट ऑटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेस बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तेहत्तर तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विजय समांता रुद्र प्रभु नित्या मेनन काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन है ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बोर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मेडिकल ब्रोकर है अस्पताल कर्मचारी और एक सर्जन का अपहरण कर लिया जाता है जिसका पता चेन्नई के एक डॉक्टर डॉक्टर मारन से लगाया जाता है जो सिर्फ पांच रुपए में सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सौंपा गया है मारन बताते हैं कि ये चारों पैसे के लालच और उचित स्थापित देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है वेटरी नाम का जादूगर है वेटरी एक डॉक्टर अर्जुन ने जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य भ्रष्ट डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख डेनियल राज ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वो मारन का कंपाउंडर और वेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी भ्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी डिविल नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा तो अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी टिफ्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड डॉट एंड टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तिहत्तर तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विजय समांतर रुत्र प्रभु नित्या मेनन काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन है ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बोर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मेडिकल ब्रोकर है अस्पताल कर्मचारी और एक सर्जन का अपहरण कर लिया जाता है जिसका पता चेन्नई की एक डॉक्टर डॉक्टर मारन से लगाया जाता है जो सिर्फ पांच रुपए में सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सौंपा गया है मारन बताते हैं कि ये चारों पैसे के लालच और उचित स्थापित देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए ज़िम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शक्ल और वेट्री नाम का जादूगर है वेटरी एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य भ्रष्ट डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख डेनियल राज ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन ने उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वो मारन का कंपाउंडर और वेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी भ्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी डिविल नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा तो अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी कर स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड डॉट एंड टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेस बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तिहत्तर तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विजय समांता रुत्र प्रभु नित्या मेनन काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बोर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मेडिकल ब्रोकर है अस्पताल कर्मचारी और एक सर्जन का अपहरण कर लिया जाता है जिसका पता चेन्नई के एक डॉक्टर डॉक्टर मारन से लगाया जाता है जो सिर्फ पांच रुपए में सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सौंपा गया है मारन बताते हैं कि ये चारों पैसे के लालच और उचित स्थापित देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत हो उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए ज़िम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शक्ल और वेट्री नाम का जादूगर है वेट्री एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन ने जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य भ्रष्ट डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख डेनियल अरोकियाराजी ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन ने उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटरी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वादीवू मारन का कंपाउंडर और वेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी भ्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा तो अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड डॉट एंड टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तिहत्तर तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विजय समांता रुत्र प्रभु नित्या मेनन काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन है ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बोर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मेडिकल ब्रोकर है अस्पताल कर्मचारी और एक सर्जन का अपहरण कर लिया जाता है जिसका पता चेन्नई के एक डॉक्टर डॉक्टर मारन से लगाया जा है जो सिर्फ पाँच रुपए में सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डीसीपी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सौंपा गया है मारन बताते हैं कि ये चारों पैसे के लालच और उचित स्थातीय देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शक्ल और वेटरी नाम का जादूगर है वेट्री एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन ने उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वादी वो मारन का कंपाउंडर और वेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी भ्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी डिवील नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा तो अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड ऑटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेस बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तेहत्तर तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विजय समांतर रुत्र प्रभु नित्या मेनन काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन है ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बोर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मेडिकल ब्रोकर है अस्पताल कर्मचारी और एक सर्जन का अपहरण कर लिया जाता है जिसका पता चेन्नई के एक डॉक्टर डॉक्टर मारन से लगाया जा है जो सिर्फ पांच रुपए में सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डीसीपी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सौंपा गया है मारन बताते हैं कि यह चारों पैसे के लालच और उचित स्थापित देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शक्ल और वेटरी नाम का जादूगर है वेटरी एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन ने उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वो मारन का कंपाउंडर और वेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी ब्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिविल नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करें स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफ़ी अच्छे मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरू जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड डॉट ऑटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेस बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तेहत्तर तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विजय समांता रुद्र प्रभु नित्या मेनन काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन है ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बोर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मेडिकल ब्रोकर है अस्पताल कर्मचारी और एक सर्जन का अपहरण कर लिया जाता है जिसका पता चेन्नई की एक डॉक्टर डॉक्टर मारन से लगाया जा है जो सिर्फ पांच रुपए में सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डीसीपी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सौंपा गया है मारन बताते हैं कि यह चारों पैसे के लालच और उचित स्थापित देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शक्ल और वेटरी नाम का जादूगर है वेटरी एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य ब्रश डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख डेनियल अरोकियाराजी ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वो मारन का कंपाउंडर और वेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी ब्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिविल नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी टिफ्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड डॉट एंड टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तिहत्तर तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विजय समांतर रुद्र प्रभु नित्या मेनन काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन है ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बोर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मेडिकल ब्रोकर है अस्पताल कर्मचारी और एक सर्जन का अपहरण कर लिया जाता है जिसका पता चेन्नई के एक डॉक्टर डॉक्टर मारन से लगाया जा जाता है जो सिर्फ पांच रुपए में सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डीसीपी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सौंपा गया है मारन बताते हैं कि यह चारों पैसे के लालच और उचित स्थापित देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शक्ल और वेट्री नाम का जादूगर है वेटरी एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख अरोकियाराजी ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन ने उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वो मारन का कंपाउंडर और वेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी भ्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी डिविल नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड डॉट एंड टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेस बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तिहत्तर तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विजय समांता रुत्र प्रभु नित्या मेनन काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बोर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मेडिकल ब्रोकर है अस्पताल कर्मचारी और एक सर्जन का अपहरण कर लिया जाता है जिसका पता चेन्नई के एक डॉक्टर डॉक्टर मारन से लगाया जा जाता है जो सिर्फ पांच रुपए में सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डीसीपी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सौंपा गया है मारन बताते हैं कि यह चारों पैसे के लालच और उचित स्थापित देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शक्ल और वेट्री नाम का जादूगर है वेट्री एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन ने उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटरी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वादीवू मारन का कंपाउंडर और वेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी भ्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी डिविल नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा तो अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड डॉट एंड टोमेटोज ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेश बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तिहत्तर तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विजय समांता रुत्र प्रभु नित्या मेनन काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन है ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बोर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मेडिकल ब्रोकर है अस्पताल कर्मचारी और एक सर्जन का अपहरण कर लिया जाता है जिसका पता चेन्नई के एक डॉक्टर डॉक्टर मारन से लगाया जा जाता है जो सिर्फ पांच रुपए में सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डीसीपी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सौंपा गया है मारन बताते हैं कि ये चारों पैसे के लालच और उचित स्थापित देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शक्ल और वेटरी नाम का जादूगर है वेटरी एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन ने उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वीवू मारन का कंपाउंडर और वेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी भ्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा तो अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफ़ी अच्छे मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी टिफ्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड ऑटेन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेस बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तिहत्तर तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विजय समांता रुत्र प्रभु नित्या मेनन काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन है ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बोर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मेडिकल ब्रोकर है अस्पताल कर्मचारी और एक सर्जन का अपहरण कर लिया जाता है जिसका पता चेन्नई के एक डॉक्टर डॉक्टर मारन से लगाया जा है जो सिर्फ पांच रुपए में सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डीसीपी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सौंपा गया है मारन बताते हैं कि यह चारों पैसे के लालच और उचित स्थापित देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शक्ल और वेटरी नाम का जादूगर है वेटरी एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य डॉक्टर राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वो मारन का कंपाउंडर और बेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी ब्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी डिविल नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा तो अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड ऑट एंड टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेस बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तेहत्तर तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विजय समांता रुद्र प्रभु नित्या मेनन काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर एंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बोर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मेडिकल ब्रोकर है अस्पताल कर्मचारी और एक सर्जन का अपहरण कर लिया जाता है जिसका पता चेन्नई के एक डॉक्टर डॉक्टर मारन से लगाया जा है जो सिर्फ पांच रुपए में सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डीसीपी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सौंपा गया है मारन बताते हैं कि यह चारों पैसे के लालच और उचित स्थापित देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शक्ल और वेटरी नाम का जादूगर है वेटरी एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य ब्रस्ट डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख डेनियल अरोकियाराजी ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वो मारन का कंपाउंडर और बेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी ब्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी डिविल नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी टिफ्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड डॉट इन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेस बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तिहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विजय समांता रुद्र प्रभु नित्या मेनन काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवै सरला वादी बेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन है ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इंजॉय कर लीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बोर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मेडिकल ब्रोकर है अस्पताल कर्मचारी और एक सर्जन का अपहरण कर लिया जाता है जिसका पता चेन्नई के एक डॉक्टर डॉक्टर मारन से लगाया जाता है जो सिर्फ पांच रुपए में सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डीसीपी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सौंपा गया है मारन बताते हैं कि ये चारों पैसे के लालच और उचित स्थापित देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शक्ल और वेटरी नाम का जादूगर है वेटरी एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान गया था एक अन्य ब्रस्ट डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख डेनियल अरोकियाराजी ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन ने उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वो मारन का कंपाउंडर और वेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी भ्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी डिविल नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा दोस्तों अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड डॉट एंड ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेस बताया है आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तेहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरू से जरूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विजय समांता रुत्र प्रभु नित्या मेनन काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की कहानी के बारे में तो दोस्तों इस मूवी की कहानी शुरू होती है बोर में एक एम्बुलेंस ड्राइवर मेडिकल ब्रोकर है अस्पताल कर्मचारी और एक सर्जन का अपहरण कर लिया जाता है जिसका पता चेन्नई के एक डॉक्टर डॉक्टर मारन से लगाया जाता है जो सिर्फ पांच रुपए में सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सौंपा गया है मारन बताते हैं कि ये चारों पैसे के लालच और उचित स्थात देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए ज़िम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शक्ल और वेट्री नाम का जादूगर है वेट्री एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन ने जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य भ्रष्ट डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख डेनियल अरोकियाराजी ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन ने उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटरी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वो मारन का कंपाउंडर और वेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी भ्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी डिविल नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा तो अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहां पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इंफॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफ़ी अच्छी एंड इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड डॉट एंड ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेस बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तिहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी इस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विजय समांता रुत्र प्रभु नित्या मेनन काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्त इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन है ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने

सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डीसीपी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला सौंपा गया है मारन बताते हैं कि चारों पैसे के लालच और उचित स्थापित देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शक्ल और वेटरी नाम का जादूगर है वेट्री एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख डेनियल अरोकियाराजी ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन ने उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वीवू मारन का कंपाउंडर और वेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी भ्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी रिवील नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों एक काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इंजॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा तो अगर आप भी मेरसल मूवी यूट्यूब पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर कीजिएगा आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरसल मूवी के बारे में ये किस तरह की मूवी है कहाँ पर हमें देखने को मिलने वाली है कौन कौन इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में देखने को मिलने वाले हैं जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इसी वीडियो में तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो ने वाला है आप इस वीडियो में एंड तक लाजमी से बने रहिएगा और दोस्तों मैंने इस मूवी के कुछ शानदार फैक्ट बताए हैं और धमाकेदार रिव्यू भी दिया है तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं इसी वीडियो को तो दोस्तों ये मूवी अट्ठारह अक्टूबर दो में रिलीज की गई एक्शन एंड थ्रिलर मूवी मेरसल जो कि काफ़ी अच्छे मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय करनी चाहिए आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी टिफ्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपन इस मूवी को किसने डायरेक्ट किया तो इस मूवी के डायरेक्टर है दोस्तों एंटिली कुमार जो कि काफ़ी अच्छे माने जाने डायरेक्टर हैं अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी की रेटिंग के बारे में इस मूवी को दोस्तों आई की तरफ से दस में से सात की रेटिंग दी गई है एंड डॉट इन टोमेटोस ने दोस्तों इस मूवी को पैंसठ तक फ्रेस बताया है तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह की मूवी है और गूगल यूजर्स ने दोस्तों इस मूवी को तिहत्तर परसेंट तक लाइक किया है तो दोस्तों आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफी ज्यादा पसंद आने वाला है आपको इस मूवी की स्टोरी लाइन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा अब बात करते हैं दोस्तों अपन इस मूवी के स्टारिंग कास्ट के बारे में इस मूवी में स्टारिंग कास्ट में आपको काफ़ी बड़े बड़े कलाकार देखने को मिल जाएंगे जैसे कि विजय समांता रुत्र प्रभु नित्या मेनन काजल अग्रवाल मीसा गोसाले योगी बाबू कोवई सरला वादी वेल्लू आदि कई बड़े कलाकार इस मूवी में अहम भूमिका निभाते हुए नजर आए हैं तो दोस्तों ये मूवी आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से जरूर इंजॉय कीजिएगा आपको दोस्तों इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाला है आपको दोस्तों इस मूवी की स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाली है अब बात करते हैं दोस्तों अपन है ये मूवी आपको कहाँ पर देखने को मिलने वाली है तो दोस्तों ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलने वाली है आप इस मूवी को नेटफ्लिक्स पर जाकर इंजॉय कर सकते हैं इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा एक बार तो जरूर से ज़रूर इंजॉय कीजिएगा आपको इस मूवी का प्रीमियम काफ़ी ज़्यादा पसंद आने

सभी का इलाज करने के लिए जाने जाते हैं मारन को डीसीपी रत्नावेल रेड्डी द्वारा गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई जिन्होंने मामला गया है, मारन बताते हैं कि चारों पैसे के लालच और उचित स्थापित देखभाल प्रदान करने में लापरवाही के कारण एक ऑटो चालक की बेटी की मौत और उसके बाद उसकी पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वह रेड्डी को अपने पत्नी की आत्महत्या के लिए जिम्मेदार थे वे अपनी रेड्डी को अपने बंधकों के स्थान बताते हैं लेकिन दावा करता है कि उन्हें तभी बचाया जा सकता है जब उन्हें ऑटो चालक की बेटी की तरह समय पर अस्पताल ले जाया जाए मारन ने खुलासा किया कि वे मारन नहीं है बल्कि उसका शकल और वेट्री नाम का जादूगर है वेट्री एक भ्रष्ट डॉक्टर अर्जुन जकारिया की मौत के लिए भी जिम्मेदार था जो दो साल पहले पेरिस में एक स्टेज प्रदर्शन के दौरान मारा गया था एक अन्य ब्रश डॉक्टर और राज्य की चिकित्सा परिषद के प्रमुख डेनियल अरोकियाराजी ने मारन की सस्ती स्वास्थ्य सेवा को अपने फलते फूलते अस्पताल व्यवसाय के लिए खतरे के रूप में देखा और अपने गुंडों का उपयोग करके मारन को मारने का फैसला किया लेकिन समय रहते वेटी ने उसे बचा लिया जिसने मारन को बेहोश कर दिया और उसके साथ स्थानों की अदला बदली की पुलिस को सुराग दिए जिससे मारन उसकी गिरफ्तारी हुई इसके बाद मारन को बचा लिया जाता है जबकि वेटी रेड्डी ने भागने में सफल हो जाता है बाद में मारन ने वेटरी को अपनी सभी समस्याओं का कारण मानते हुए उसका सामना किया वो मारन का कंपाउंडर और बेटरी का सहायक भी हस्तक्षेप करता है और मारन को समझाता है कि वेटरी भ्रष्ट चिकित्सा पद्धतियों में लिप्त डॉक्टरों को क्यों निशाना बना रहा है तो दोस्तों मैं आपको इस मूवी की पूरी स्टोरी डिविल नहीं बता सकता लेकिन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवी है आपको ये मूवी एक बार तो ज़रूर से ज़रूर इन्जॉय करनी चाहिए तो दोस्तों आप इस मूवी को एक बार तो ज़रूर से जरूर इन्जॉय कीजिएगा नेटफ्लिक्स पर जाकर जी हाँ दोस्तों इस प्रकार आप इस मूवी को इन्जॉय कर लीजिएगा